नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। देखिए, अखिलेश यादव को लेकर के अब यहाँ पर जो है बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि अखिलेश यादव का जो है अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन हो सकता है। जी हाँ, बड़ी खबर जो है यहाँ पर यही निकल के आ रही है कि अनुप्रिया पटेल और अखिलेश यादव का जो है गठबंधन हो चुका है। दरअसल हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, देखिए क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का भी कारण है। दरअसल देखिए, पल्लवी पटेल जो है वो अखिलेश यादव से बागी हो चुकी है, लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के जो है बागी हो चुकी है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है वो उनका जो है केंद्र सरकार के साथ समन्वय नहीं बन पा रहा है, जिसको लेकर के अनुप्रिया पटेल के क्षेत्र में जो है, बता दें अनुप्रिया पटेल जो है केंद्रीय मंत्री हैं, अपना दल सोनेलाल पार्टी का उनका भाजपा के साथ गठबंधन है और वो सांसद हैं, तो उनको लेकर के देखिए अब सियासत गरमाई भी है कि अनुप्रिया पटेल का आरोप है कि भाजपा के साथ जुड़ने के बाद जो है मैं अपने क्षेत्र के जनता को जो है यहाँ पर सारी चीजें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो है केंद्र सरकार के साथ समन्वय नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद भी मीडिया के सामने पेश नहीं हुए, जिसको लेकर के अब जो है सियासत गरमाई भी है। लगातार जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल को लेकर चर्चाएं थी कि वो बागी हो जाएंगी, तो अब ये कहीं ना कहीं सच होते नजर आ रहा है और उम्मीदें हैं कि वो अखिलेश यादव के साथ जो है गठबंधन यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि लगातार उनके समर्थक भी उनसे कह रहे थे कि आप SC OBC ST के जो है समर्थन में यहाँ पर आ जाइए अनुप्रिया पटेल, तब आपका राजनीतिक करियर बचाव रहेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस राजनीतिक खेल में कौन सा नया रंग आता। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।